हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फरवरी 2021 में इसरो लॉन्च करेगा ब्राजील की पहली मेड इन ब्राजील 100% मेड इन ब्राजील सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को, अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया स्पेस डिप्लोमेसी। मगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि ब्राजील ने यहाँ पर इसरो को क्यों चूज किया है? इनके पास एक और ऑप्शन थी चाइना की। ब्राजील आपको पता होगा एक ब्रिक्स देश है, तो बिल्कुल यहाँ पर चाइना ने भी ऑफर दिया होगा कि हम लॉन्च करते हैं आपकी पहली मेड इन ब्राजील सैटेलाइट। मगर फिर भी ब्राजील ने चूज किया है इसरो को। इवन दो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले चाइना ब्राजील की बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। बट सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्राजील की, तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर करें बिना गूगल को यूज किए। ट्राई करिए बिना किसी हेल्प के, विद योर ओन नॉलेज। क्वेश्चन ये है कि ब्राजील की करेंसी क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन है, पेसो, रियल, दिनार या फिर डॉलर। आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। एंड ऑफकोर्स आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे SSC, बैंक, रेलवेज, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास मिलती है, लाइव क्लास का जो एक्सपीरियंस है इज डिफरेंट। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्लास देख पाएंगे ऑन फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, वेर एवर यू वॉन्ट। और जो ये प्राइसेस हैं इन कोर्स के, ये पे मत कर देना, डू नॉट पे दीज प्राइसेस, ये तो हैं ओरिजिनल प्राइसेस। यूज करो कोड PD10, रेफरल कोड में यहाँ पे डालो PD10 और ये होंगे आपके प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज PD10 एंड सेव मनी। और बाय द वे, यू कैन मेक पेमेंट्स थ्रू UPI नेट बैंकिंग कार्ड्स, यू कैन इवन पे थ्रू पार्ट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्राजील मैप में है कहाँ पर ये आपको दिखा देता हूँ। ये है आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ से आपको ट्रैवल करना होगा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू रीच ब्राजील। ब्राजील एक बहुत ही बड़ा देश है, राजधानी है इस देश की ब्राजीलिया, और आबादी है ब्राजील की लगभग आप कह सकते हैं 21 करोड़। जी हाँ, 21 करोड़ की आबादी का एक बहुत ही बड़ा देश है ब्राजील। नाउ यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि वाह, ब्राजील मैप पे तो बहुत बड़ा दिख रहा था, तो साइज के हिसाब से तो शायद ये इंडिया से भी बड़ा है। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान को आप मिला ले उससे भी काफ़ी ज़रा बड़ा है साइज में ब्राज़ील। इट इज़ अ मैसिव कंट्री, आबादी भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि फिर बहुत ही अजीब बात है कि ये बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं सैटेलाइट लॉन्च के लिए, ये खुद साइंटिफिकली इतने एडवांस्ड है नहीं। देखिए, मैं कहूँगा ब्राज़ील ने काफ़ी सारे एरियाज़ में अच्छी डेवलपमेंट करी है, इनकी काफ़ी कॉपरेशन है, काफ़ी कंपनीज़ हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं द फील्ड ऑफ एरोडायनामिक्स और उसके अलावा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। मगर जो ये फील्ड है रॉकेट लॉन्च की, उसमें ब्राज़ील डेफिनेटली काफ़ी पीछे रह गया है। इसलिए इंडिया, चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं, इवन मैं कहूँगा रशिया, इन सब कंट्रीज़ पे ब्राज़ील डिपेंड करता है फॉर लॉन्चिंग ब्राज़ील सैटेलाइट्स। अब क्या हुआ कि ब्राज़ील और चाइना ने अपनी स्पेस कोऑपरेशन शुरू करी थी 1984 में। जी हाँ, 1984 में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग मिलकर स्पेस में कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद 1988 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, इसका नाम था चाइना ब्राज़ील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म CBRES। नाउ CBRES अपने आप में रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इसके अंडर बहुत सी सैटेलाइट्स ब्राज़ील और चाइना मिलकर लॉन्च करने वाले थे। नाउ अगेन, ये जो सैटेलाइट्स थी ये यूज़ तो करता ब्राज़ील, मगर चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि हम आपको दिखाएंगे कि सैटेलाइट्स बनाते कैसे हैं और उसके बाद हम अपने रॉकेट से ये सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। और इनिशियली काफ़ी हद तक ऐसा ही हुआ। CBRES 1 सैटेलाइट, CBRES 2 सैटेलाइट, ये सैटेलाइट्स के नाम थे, ये काफ़ी सक्सेसफुल थे। मगर बाद में ब्राज़ील के साइंटिस्ट ने एक बात नोट करी कि चाइना जो ये सैटेलाइट लॉन्चेस हैं इनको बस यूज़ कर रहा है सेल्फ प्रमोशन के लिए। लिटरली सैटेलाइट पर भी खुद का नाम यहाँ पर डाल दिया कि ये है चाइना ब्राज़ील सैटेलाइट। इवन दो सैटेलाइट यूज़ करेगा ब्राज़ील, मगर चाइना का नाम यहाँ पर पहले आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी चाइना ने एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ब्राज़ील को किया नहीं, इनको प्रॉपरली बताया नहीं कि सैटेलाइट्स कैसे डेवलप करनी है, ये खुद सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च कर सकते हैं, या फिर बाकी जो चाइनीज सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं उनका डेटा कैसे यूज़ कर सकता है ब्राज़ील। मगर फिर भी ब्राज़ील ने बहुत ही लंबे समय तक जो चाइना का प्रोग्राम है इसको फॉलो किया। इवन दो जो ये दोनों सैटेलाइट्स हैं आज के समय डेड है, एक्चुअली विद इन 2-3 ईयर्स ये डेड हो गई थी, इन्होंने काम करना बंद कर दिया था, मगर फिर भी ब्राज़ील ने कहा कि वी विल परसिस्ट, हम ये जो प्रोग्राम है इसके साथ जुड़े रहेंगे। मगर जो अगली सैटेलाइट थी CBRS 3, ये था चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा पब्लिसिटी ब्लंडर,
क्योंकि यह सैटेलाइट चाइना प्रॉपरली लॉन्च नहीं कर पाया, जो रॉकेट था इसका लॉन्च फेल हो गया और इंटरनेशनली चाइना को क्रिटिसाइज किया गया कि इनके रॉकेट्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं नहीं, इन्होंने खुद का नुकसान करवाया है, ब्राज़ील का भी नुकसान करवा दिया, क्योंकि CBRES को बनाने में दोनों देशों के चाइना और ब्राज़ील के लग गए थे $125 मिलियन ईच, तो बैठे बैठे ब्राज़ील को हुआ बड़ा लॉस। और इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं ये आप देखेंगे, आर्टिकल है फ्रॉम 2013 नासा स्पेस फ्लाइट का, ब्राज़ील CBRES-3 स्पेसक्राफ्ट लॉस्ट फॉलोइंग चाइनीज फेलियर, और ये एक और यहाँ पे आर्टिकल है, चाइनीज ब्राज़ीलियन सैटेलाइट डिस्ट्रॉयड आफ्टर लॉन्ग मार्च रॉकेट फेल्स। तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी, क्योंकि ओवरऑल ये जो लॉन्च था ये होना चाहिए था चाइना का 2 सोवा ऑर्बिटल लॉन्च। और इस एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए चाइना ने फिर 2014 में जल्दी से ये जो सैटेलाइट है इसका एक रेप्लिका बिल्ड किया और फिर से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया दिसंबर 2014 में। फिर उसके बाद मोस्ट रिसेंटली इसका एक और एडिशनल सैटेलाइट वर्जन लॉन्च किया गया है CBRES-4A इन 2019। मगर यहाँ तक देखो 2013 तक ना, जब CBRES-3 फेल हुआ था, ब्राज़ील को ये समझ आ चुका था कि कम्प्लीटली चाइना पर अगर ये डिपेंडेंट रहेंगे तो इस पर्टिकुलर फील्ड में ये ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे नहीं, इनको अब आज के समय साथ चाहिए इंडिया का। और इसलिए 2014 में जब छठा एडिशन हो रहा था ब्रिक्स समिट का, तब इंडिया और ब्राज़ील ने इंक किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, जिसके अंडर इंडिया ने यह कहा कि इंडिया बनाएगा अर्थ स्टेशन डेटा रिसीव करने के लिए इंडियन सैटेलाइट्स का इन ब्राज़ील। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेस्चर था, इससे पहले चाइना ने ऐसा कभी भी नहीं किया। इंडिया ने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो आज के समय धरती को ऑब्जर्व कर रही है, धरती की इमेजेस ले रही है, इनका जो एक्सेस है काफी हद तक प्रोवाइड कर दिया ब्राज़ील को, और इनका डेटा इस्तेमाल कैसे करना है ये भी सिखाया। हमने बहुत सारे ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट को इन्वाइट किया इसरो के सेंटर में, इनको सिखाया कि किस तरीके से डेटा रिसीव करते हैं, सैटेलाइट को किस तरीके से कंट्रोल करना है। और फिर इंडिया का जो पॉजिटिव रोल था ये देखते हुए फाइनली ब्राज़ील ने ये डिसाइड किया कि Amazonia-1 जो है ब्राज़ील की आज के समय प्राइड, जिसको पूरा ब्राज़ील सेलिब्रेट कर रहा है, जब Amazonia-1 को एक प्लेन में लोड करके ब्राज़ील से सेंड ऑफ किया गया, तब भी उनके पूरे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है कि यह सैटेलाइट अब जा रही है इंडिया फॉर द लॉन्च। तो इतनी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट को इन्होंने चाइना को नहीं दिया बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, इन्होंने जरा फेथ दिखाया है इन इसरो। और Amazonia-1 लॉन्च होगी अब February 2021 में, और ये होगी ब्राज़ील की तीसरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, पहली मेड बाय ब्राज़ील मगर ओवरऑल ब्राज़ील की तीसरी। इससे पहले जो चाइनीज लॉन्च थी CBRES-4 और CBRES-4A, ये भी आज के समय काम कर रही है। तो ब्राज़ील यहाँ पे तीनों सैटेलाइट्स को यूज करेगा अपने कंट्री को मॉनिटर करने के लिए, और ये सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी टू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब के धरती के सरफेस से 600 से 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये जाएगी। और इसमें बहुत ही एडवांस कैमरास ब्राज़ील ने इंस्टॉल किए हैं विद रेजोल्यूशन ऑफ अप टू 64 meters। इसका प्राइमरी फोकस होगा Amazon रेन फॉरेस्ट। Amazon रेन फॉरेस्ट में क्या डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कहाँ पे आग लग रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्राज़ील एक ह्यूज कंट्री है, इनको सैटेलाइट चाहिए प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए कि यहाँ पे Amazon रेन फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, ताकि सरकार प्रॉपरली Amazon रेन फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाए। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हाट एग्जैक्टली इज द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। सही उत्तर यहाँ पर ए पैसो बिल्कुल नहीं है, सही आंसर यहाँ पर है बी। यहाँ पे आप अगर देखें 1 ब्राज़ीलियन रियल को आप अगर कन्वर्ट करोगे इन इंडियन रुपीस तो आपको मिलेंगे 14 इंडियन रुपीस। ये बाय द वे एक्सचेंज रेट है एज ऑफ December 2020। आप ये वीडियो अगर बाद में देख रहे हैं तो अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे कल, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।